हे गाइज, हियर इज़ द बजाज पल्सर N150। बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च हुई है भाई, आज ही ये बाइक जो है वो लॉन्च हुई है और इसके बारे में आज के आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं। कैसी है ये बाइक, कैसे आप लोगों के लिए लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है, कैसी रहने वाली है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, या फिर आप लोग कह सकते हो अगर आप एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक देख रहे हो ना, तो ये एक बेस्ट बाइक आप लोगों के लिए हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो भाई, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू, क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है, क्या क्या चीज़ें मिल जा रही है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले आप लोग वॉक अराउंड देख लो, मतलब इसे देखोगे ना, यहां से देखोगे ना तो आप लोग कहोगे भाई ये तो N160 है, बट ऐसा नहीं है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं कि कैसे नहीं है। यहां पर अगर आप लोग यहां पर आओगे ना तो आपको N150 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। और ओवरऑल 360 डिग्री देख लो, तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, रेड है, ब्लैक है और व्हाइट कलर है। सबसे बेस्ट जो कलर मुझे लगा है ना, वो लगा है इस बाइक का आने वाला व्हाइट कलर, जो कि काफी ज्यादा प्यारा है, बट थोड़ा सा उसको मेंटेन जो है करना ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, मे बी देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो खैर वो सारी चीज छोड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को इस बाइक की प्राइस बता दूं, ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी 1,70,677 रुपीज, मतलब एक शोरूम प्राइस मैंने आप लोगों को बताई है। तो अब इसके अंदर अपना रोड टैक्स और बाकी सारी चीजें ऐड करके आई थिंक अराउंड 30-35 के आसपास में जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बाकी आप लोग ऑन रोड जाकर के अपने जो भी नियरेस्ट बजाज के शोरूम रहेगा वहां पर आप जाकर के पता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है प्रोजेक्टर लाइट, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है। और लुक पूरा का पूरा सेम वही आपको जो N250 के अंदर देखने को मिलता है, N160 में मिलता है, सेम सिमिलर वैसा ही लुक रहने वाला है। तो यहां पर मैं आप लोगों को पहले इसको ऑन करके दिखा देता हूं एक बार। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को बड़ा सा प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है। और अगर मैं रियल लाइफ में इसकी बात करूँ ना, तो ये बहुत ही अच्छा भाई वर्क करता है, मतलब पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है इसकी ना थ्रो है। और प्रोजेक्टर देखो ना, अच्छा खासा बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पर आपको DRS मिल जाता है, थोड़ा बहुत स्टिकरिंग। उसी के साथ अगर मैं यहाँ साइड प्रोफाइल में अगर आता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3D टाइप का जो है मडगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर दो फ्लिप्स आप लोगों को मिलते हैं, जो कि देखने में पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को पर्सनली, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। साइड में अगर हम लोग यहाँ पर आए तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ABS। बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों को ABS मिल जाता है। और आई थिंक 240mm की आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। टायर साइज के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको टायर देखने को मिलता है 90x90 17 इंच आपको टायर्स मिल जाते हैं, तो काफी बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा अलॉय देखोगे ना, तो ये आप लोगों को P150 की थोड़ी सी याद दिलाएगा। यहाँ पर अलॉय जो है वो वही वाला यूज किया गया है, जो आपको N150 या N160 में देखने को मिलता है, वो शायद आप लोग यहाँ पे ना देखने को मिले। तो ये चीज आप लोग देख लेना। बाकी मैंने इसका पूरा का पूरा ओवरऑल राइड रिव्यू भी कर दिया, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है, ये एक 149cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है, और बेसिकली ये आप लोगों को एयर कूल मिलता है। अगर आप N160 को देखते हो तो उसके अंदर आप लोगों को ऑयल कूल मिलता है, बट यहाँ पर आपको एयर कूल इंजन मिलता है। उसका पता करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर विंग्स आप लोग देख सकते हो इंजन के ऊपर बनी हुई है, तो ये जो है आप लोगों का एयर कूल इंजन रहने वाला है। और के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 14.5 BHP का मैक्सिमम पावर और 13.5 Nm का टॉर्क मिलता है। और इसकी जो टॉर्क डिलीवरी है ना, वो बहुत ही अच्छी है भाई, मतलब बहुत ही लोअर RPM पे आप लोगों को टॉर्क मिल जाता है। अगर आप दो लोग भी बैठ करके इस पे चलते हो ना, तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक जो है वो दब रही है या पावर नहीं फील हो रही, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंजन है। और भाई जो बजाज से मुझे खुशी मिली है ना एक चीज की, जो उनकी विरासत में मिला करती थी ना पहले वाइब्रेशंस, उस पर बहुत अच्छा काम किया भाई। जो इनका नया इंजन जो ये बनाया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो नहीं होने वाली, और बाकायदा आपको यहाँ पर किक भी मिल जाती है, जिससे अगर इन सिचुएशन अगर आपकी बैटरी खराब होती है, खत्म हो जाती है या स्टार्ट नहीं होती, तो आप किक से भी जो है इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, इसकी साउंड भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और उसी के साथ साथ काफी जो कंपनीज है भाई कॉस्ट कटिंग करती है, आपको मिडिल स्टैंड नहीं देती, बट इसके अंदर मिलता है। लाइक अगर आपको चेन लूप करनी है या पंचर वंचर हो जाए, तो वो सारी चीजें जो है आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की आपको एग्जॉस्ट नोट सुनने में को मिलती है, और काफी ज्यादा अच्छी है। लाइक अगर आप लोग लॉन्ग टूर पे भी लेकर के जाते हो ना, तो इतनी प्यारी आवाज आती है ना कि भाई आपको कहीं भी वैसा नहीं लगेगा कि मैं बोरियत से रोड पे चल रहा हूँ। आवाज जो है आप लोगों के कानों में काफी ज्यादा अच्छी जो रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग रियर में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और इसका जो रिस्पॉन्स है भाई वो ऑसम है लिटरली। अगर आप दो बंदे बैठ के चलते हो ना, तो मोस्टली अदर टाइम काफी बाइक्स में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो आपको उतना फील नहीं होता, बट एज अ पिलियन अगर आप लोग बैठो ना, तो आपको काफी ज्यादा कमर में झटके लगते हैं। बट इसका जो सस्पेंशन है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा मतलब बैठ करके भी आया हूँ, मैंने बैठ के चलाई भी है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। सस्पेंशन रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। रियर टायर के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग आकर के बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको टायर सेक्शन दिखाऊं, तो ये आप लोगों को मिलता है 120/80/17 inches के टायर, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। ग्रिप जो है वो काफी अच्छी प्रोवाइड करने वाले हैं। इंडियन रोड्स को तो भाई आप जानते हो, कहीं पे भी गड्ढे हैं, कहीं पे भी पानी भरा हुआ है, तो उसके में कहीं ना कहीं आपकी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन रहने वाली है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। रियर में आया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लाइट है, काफी ज्यादा क्रिस्टल
जो है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ इसके अंदर जो है एलईडी आप लोगों को यहाँ पर जो है टेल लाइट देखने को मिलती है, इंडिकेटर आप लोगों को हैलोजन ही मिलते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे तो चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इंडिकेटर देख सकते हो, ये आप लोगों का हैलोजन रहने वाला। टेल लाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये व्हाइट रहने वाला है, अगर ब्रेक यूज करोगे तो ये रेड का जो है आपका काफी ज्यादा अच्छा जो है काम करने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है भाई, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा। इसके अंदर आप देखोगे ना, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। तो ये शायद काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारी गार्ड देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्टैंड भी मिल जाता है फॉर लाइक अगर आप अपनी मम्मी को लेकर के जा रहे हो या किसी को भी, सिस्टर विस्टर जो भी है, तो काफी बार वैसे करके बैठती हैं, मतलब लाइक जैसे हम बैठते हैं वैसे नहीं बैठते, तो यहाँ पर आराम से वो इजिली जो अपना पैर रख सकती है। और यहाँ पर आपको फुट पैक्स भी मिल जाते हैं, और काफी प्रीमियम है भाई, क्वालिटी वाइज आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मतलब बाइक निकाल दी 150 cc की तो बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी ज्यादा अच्छे प्रीमियम जो है वो आप लोगों को क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर आप लोगों को देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपको बकायदा रबर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका पैर जो है वो स्लिप लिप ना करे, लाइक कीचड़ वीचड़ भी लग जाता है, ये ग्रिप बना करके जो यहाँ पर रखे। बाइक के अंदर आपको 5-speed का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डाउन है, और 4 जो है आप लोग अप एंड गियर रहने वाले हैं। और गियर के बारे में बात करूँ या फिर मैं अगर क्लच के बारे में बात करूँ, भाई लिटरली सच बता रहा हूँ, मैंने इसको चलाया है, इतने स्मूथ है ना, कहीं पे भी इन गियर्स में अटकने का सीन नहीं। वरना अगर आप लोग बजाज को पहले देखते होगे तो आपको काफी ज्यादा शिकायतें सुनने को मिलती होंगी, गियर अटक जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में नहीं आते, सेकंड से फर्स्ट में नहीं जाती। बट इसके साथ ऐसा सच बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को। और उसी के साथ क्लच भी जो है इसकी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तो ये चीज आप लोग देख लेना। बाकी भाई अगर मैं बात करूँ बाकी चीजों के बारे में, यहाँ पर अगर आप बाकी चीजें देखोगे, लाइक इसके अंदर आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मिलती है, यहाँ पर कोई भी कमी जो है इन्फॉर्मेशन में नहीं रह गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पीडर मीटर आप लोगों को मिल गया, उसी के साथ यहाँ पे देखोगे गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच आ गया, बैटरी का हो गया, माल फंक्शन लाइट हो गई, एबीएस हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है सारी की सारी मिल जाती है। यहाँ पर आपका फ्यूल हो गया, यहाँ पर टाइमिंग हो गई, और ट्रिप मीटर भी आप लोगों को मिल जाता है, और डीटीई भी इसमें मिल जाता है कि कितना किलोमीटर जो है वो आपकी बाइक चलने वाली है। तो 410 किलोमीटर जो है इसमें चलेगी, मतलब ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हो ये आप लोगों को 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है बड़ा सा, एक बार डलवाओगे भूल जाओगे, लगभग 45 से 50 की एवरेज जो है आराम से आप लोगों को दे देगी, सिटी में आप लोग इजीली चला सकते हो, और डिपेंड करता है थोड़ा सा आप लोगों के चलाने के तरीके के ऊपर। और अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ या फिर मैं अगर बाकी चीज़ों के वाइज बात करूँ ना, कि कहीं मतलब चीपर क्वालिटी तो यूज़ नहीं की है, काफ़ी प्रीमियम, देखो भाई स्विच क्वालिटी ना बहुत प्रीमियम है, सच बता रहा हूँ, ये वाली देख लो या इधर वाली देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है भाई। और हॉर्न मैं आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार, तो हॉर्न जो है वो आप लोगों को सिंगल ही मिलता है इसके अंदर, तो खैर कोई नहीं, इसके कंपटीशन में एक कुछ बाइक्स ही हैं जिसके अंदर आपको डुअल हॉर्न मिलता है, बाकी आप लोगों को मोस्टली ऑफ द टाइम सिंगल ही मिलता है। और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको 3D बैजिंग के साथ पल्सर देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहीं पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट फीचर, तो आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, लाइक सीधा सीधा डाटा केबल लगाया और अपना अपना फोन जो है वो चार्ज कर सकते हो। मिरर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बस थोड़ा सा लुक मुझे उतना एज सच बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। विजिबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों का काफ़ी अच्छा मतलब एरिया जो है वो कवर करते हैं, पीछे का आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब कितनी कोई बाइक आ रही हो, जो है जो भी आ रही हो, तो वो चीज़ मुझे जो है इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी। वहीं अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा लेग गार्ड भी मिल जाता है फॉर प्रोटेक्शन, अगर कोई भी क्रैश होता है तो आपके पैर को जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सीट, तो सीट बहुत ही कम्फर्टेबल है भाई, ये देखो मतलब गद्दा है भाई इसके ऊपर, आप लोग 3 लोग, वैसे तो मैं रिकमेंड करता नहीं, बट इन अ सिचुएशन इंडियंस है भाई, कभी ना कभी जरूरत हमें पड़ जाती है दोस्त यार के साथ या ऐसे नॉर्मली, तो आप इजीली जो है 3 बंदे भी बैठ करके जा सकते हो, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप लोगों को ग्रैब रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब मम्मी में बैठती है तो इजीली जो है मम्मी यहाँ पर पकड़ सकती हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों को कभी टूर मारने का भी मन करा तो आप आराम से अपना सामान बांध करके यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल भाई पूरा रिव्यू। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक की सीट हाइट के बारे में, तो सीट हाइट काफ़ी अच्छी है, 790 mm के आसपास में है, जिससे कि अगर आप लोगों की हाइट कम भी है, आप 5.2 हो, 5.1 हो या 5 भी रहोगे ना, तो ईजिली जो है मैनेज कर सकते हो, आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यही था आज का वीडियो, आई होप्स आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।